दोस्तों, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जब हार का सामना करना पड़ता है तो कैसा लगता है। एक हारा हुआ इंसान अंदर से इतना टूट जाता है, इतना मायूस हो जाता है कि फिर दोबारा अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने से भी डरता है। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची होती कि वो अपनी मंजिल के बारे में दोबारा सोचे। उसका कॉन्फिडेंस पूरा टूट चुका होता है, उसका मोटिवेशन खत्म हो चुका होता है। ऐसे में उस इंसान को सारे रास्ते बंद नजर आते हैं और ऐसा सभी के साथ होता है। जो इन सबसे बाहर आ जाता है वो एक नई कहानी लिखता है, और जो मूव ऑन नहीं कर पाता वो गुमनामी के अंधेरों में खो जाता है। इसलिए लाइफ में सफल होने के लिए खुद को हमेशा मोटिवेट रखना पड़ता है, क्योंकि अपने अंदर मोटिवेशन को हमेशा बनाए रखना सबके बस की बात नहीं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको हमेशा मोटिवेट रहने के 10 तरीकों के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, किसी चीज़ के बारे में सोच सोच कर दिल को तसल्ली देना बंद करो और कुछ काम करना शुरू करो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हम तभी तक असफल हैं जब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जिस दिन हमने उस काम के बारे में सोचना छोड़ दिया और उसे करना शुरू कर दिया, उसी दिन हमारी सफलता तय हो जाती है। हम सभी लोगों की आदत होती है कि हम अपने सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं और मन ही मन उन सपनों को पूरा करने के प्लान्स भी बना लेते हैं। पहले मैं ये करूँगा, फिर वो करूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। 2400 घंटे हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। और जब उस काम को करने का टाइम आता है तो हमें लगता है, यार इस काम में तो बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत मुश्किलें उठानी होंगी, मुझे नहीं लगता मैं ये कर भी पाऊंगा, और फिर पूरा प्लान ठप पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मोटिवेशन इसीलिए डाउन हो जाता है क्योंकि आप सोचते ज़्यादा हो, करते कुछ नहीं। एक बार आगे तो बढ़ो, फिर देखो हर चीज़ आसान नज़र आएगी। दूसरी बात है, अगर लाइफ में कभी डीमोटिवेट नहीं होना चाहते तो अपने अंदर की एक्साइटमेंट कभी कम मत होने देना। जब मैंने 10th के बोर्ड एग्जाम दिए थे तो मैं अपनी क्लास में सेकंड आया था, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं थी। वहीं मेरी ही क्लास का एक बंदा थर्ड आया था, वो इतना खुश था मानो पूरी दिल्ली में थर्ड आया हो। नेक्स्ट ईयर मैं क्लास में फोर्थ आया और उस वक्त पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा था, और जो बंदा 10th में थर्ड आया था वो बंदा 11th में फर्स्ट आया। आज पूरे 11 साल बाद मुझे ये समझ में आया, मैं सेकंड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन पर इसलिए पहुंच गया क्योंकि मेरे अंदर एग्जाम्स को लेकर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं था। और जिस इंसान के अंदर एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है वो इंसान अपने लक्ष्यों को हासिल करने में चूक जाता है और उसका मोटिवेशन भी कम हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो अपने गोल को हासिल करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहें, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। तीसरी बात है, अपने लिए एक इंस्पिरेशन जरूर ढूंढें अगर हमेशा मोटिवेट रहना है तो। अगर आपको फैमिली ड्रामा मूवीज़ पसंद होगी तो आपने नोटिस किया होगा हर मूवी में हीरो के ऊपर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूटता है, लेकिन हीरो कभी हार नहीं मानता क्योंकि उसे अपनी फैमिली को उस मुसीबत से बाहर निकालना होता है। ऐसे में उसका मोटिवेशन उसकी फैमिली होती है। आपको भी ऐसे ही अपनी लाइफ में अपने मोटिवेशन का सोर्स फाइंड करना होगा, तभी आप लाइफ में हमेशा मोटिवेट रह सकते हो। साथ ही आपको किसी ऐसे इंसान को अपना इंस्पिरेशन मानना चाहिए जिसके हालात पहले आप जैसे ही रहे हो, क्योंकि इंस्पिरेशन किसी भी व्यक्ति को बड़ी ही आसानी से मोटिवेट कर सकती है। मेरी इंस्पिरेशन तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और लाइक्स होते हैं। अब आपकी इंस्पिरेशन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। चौथी बात है, नेगेटिव विचारधारा वाले लोगों से दूर रहने में ही आपका भला है। हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, अगर चार लोग हमारे आसपास हंसते हैं, जोक्स मारते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं। वहीं अगर हम किसी मातम में जाते हैं तो हम कितने भी खुश क्यों ना हो, हमारा दिल भी इतना भर आता है कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। द पॉइंट इज, हमारे आसपास जैसा माहौल होगा या जैसे लोग होंगे हम भी वैसा ही फील करेंगे। इसलिए अगर आप हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो आपको पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके आसपास एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे आप हमेशा खुश रहते हैं और काफी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात बात पर आपको टोकते हैं, आपका मोटिवेशन लूज करते हैं। इसलिए ऐसे नेगेटिव लोगों को पहचानो और जितना जल्दी हो सके इनकी पहुंच से बहुत दूर हो जाओ। पांचवी बात है, मेरे दोस्त, सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक बात बैठा लो, हर किसी के लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इनसे डरना नहीं है, इनका सामना करना है। कुछ लोग हमेशा डीमोटिवेट इसलिए फील करते हैं क्योंकि वो एक छोटी सी बात समझ ही नहीं पाते कि अगर कुछ टाइम के लिए सुख है तो कुछ टाइम के लिए आपको दुख भी उठाना पड़ेगा। जब सुख आपकी लाइफ से चला गया तो दुख भी आपकी लाइफ से चला जाएगा। आपको तो बस थोड़ी हिम्मत दिखानी है, फिर दुखों की क्या औकात जो आपको हरा सके। मेरे दोस्त, मोटिवेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके साथ हमेशा रहे, आती जाती रहती है। बस आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना होगा, आपका मोटिवेशन वापस आ जाएगा।
छठी बात है, आप जब भी कोई काम करें स्टेप बाय स्टेप करें, ज़्यादा लंबा हाथ मारने की सोचोगे तो छोटे छोटे काम में भी आपकी हालत टाइट हो सकती है। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे हज़ारों की बात हो या लाखों की, शुरुआत हमेशा एक से होती है। जो इंसान ये बात समझ गया उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको एक यूट्यूबर बनना है, तो यूट्यूब पर वीडियोज डालने के लिए सिर्फ दो ही बेसिक चीज़ों की जरूरत होती है, पहला मोबाइल, दूसरा इंटरनेट। अब अगर आप बेसिक चीज़ों से शुरुआत करने की बजाय एकदम से प्रोफेशनल चीज़ों की ओर भागोगे तो हो सकता है आप फेल हो जाओ, डीमोटिवेट हो जाओ, क्योंकि ये जरूरी नहीं आप एकदम से यूट्यूब पर सफल हो जाओ। इसलिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करनी चाहिए, इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे। साथ ही बात है, अपने सपोर्टिंग लोगों को फाइंड करें, क्योंकि आपके मोटिवेशन की असली वजह वही होते हैं। जब मैंने जॉब छोड़कर यूट्यूब करने के बारे में सोचा तो मेरे पेरेंट्स का मुझे पूरा सपोर्ट था। उन्होंने कहा ये लाइफ तेरी है और तुझे जो करना है तू वो कर। इसके साथ ही मेरे एक यूट्यूबर दोस्त का भी बहुत साथ था, जिसके साथ मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाता, जो मुझे काफ़ी इंकरेज करता। मैंने 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ डाल दी थी, लेकिन फिर भी मेरी एक भी वीडियो नहीं चल रही थी, लेकिन मेरे सपोर्टिव लोगों ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। सेम ऐसे ही आपको भी अपने सपोर्टिंग लोगों को फाइंड करना चाहिए और हमेशा उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि जब जब आपका मोटिवेशन डाउन होगा तब तब ये लोग आपका मोटिवेशन हाई करते रहेंगे। आठवीं बात है, चाहे आंधी आए तूफान आए आपके हालात बस से बदतर हो जाए, लेकिन फिर भी आपको लगे रहना है, डटे रहना है। एक टाइम का खाना ना मिले कोई बात नहीं, पहनने के लिए कपड़े ना मिले कोई बात नहीं, पूरी दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले तब भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दोस्त लाइफ में कभी हार मत मानना, उदास मत होना। जब भी आप असफल हों बस ये सोचिए दिल्ली अभी दूर है और आपकी हाथ सिर्फ एक छोटा सा लंच ब्रेक है, आपको थोड़ा सा रुकना है और फिर दुगनी तेजी से आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आने पर मंजिल नहीं छोड़ते आप, बस अपनी मंजिल की बढ़ते रहिए, लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। नौवीं बात है, आपके हाथ कभी खाली नहीं होने चाहिए पैसों से। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पैसों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है खुद को हमेशा मोटिवेट रखने में। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप किसी शादी में जा रहे हो और आपने अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे, पर उन्होंने आपको पैसे देने से मना कर दिया और कहा शादी में पैसों का क्या काम, और आप बिना पैसों के शादी अटेंड करने निकल पड़ते हो। आपके मन में ये बात कहीं ना कहीं घूम रही होती है कि अगर कहीं पैसों की जरूरत पड़ गई तब क्या होगा। ऐसे में आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करोगे, इसलिए आपके पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है। दसवीं बात है, जो आपका भला चाहते हैं आप ऐसे लोगों को भले ही एक पल के लिए भूल जाओ, लेकिन ऐसे लोगों को कभी भी मत भूलना जो आपका बुरा चाहते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपने दोस्तों से ज्यादा अपना बुरा चाहने वालों को याद रखता हूं, क्योंकि मुझे उनकी बातों से बहुत हिम्मत मिलती है। वो बातें तो हिम्मत तोड़ने वाली करते हैं, लेकिन मुझे उनकी बातों से मोटिवेशन मिलता है। एग्जांपल के लिए, जब मैंने यूट्यूब के लिए एक अच्छी खासी जॉब छोड़ी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इतना बेवकूफ है, एक दिन तुझे भीख मांगना पड़ेगा, बस फिर क्या। मैंने भी उनकी बातों को दिल पर लगा लिया और आज एक ठीक ठाक इनकम वाला यूट्यूब चैनल खड़ा कर दिया। खुद को हमेशा मोटिवेट रखना है तो हमसे चलने वालों की बातों को कभी मत भूलना। दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग चालाक होना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और मैच्योरिटी लाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।